नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में कई अहम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं, रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। पहली खबर आपको यमुनोत्री धाम से बताएंगे, जहां पर बादल फटने के बाद स्थिति विकराल हो गई है। मंदिर परिसर को भी बहुत नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में बादल फटने से भारी तबाही मची है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त सैलाब यमुनोत्री धाम में बादल फटने के बाद देखा गया है। बड़े बड़े पत्थर सैलाब के साथ बहकर आ गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर को खाली करा दिया गया है। पत्थर आने से मंदिर को नुकसान पहुंचा है। तो यमुनोत्री धाम में बादल फटा, जिसकी वजह से जलस्तर काफी बढ़ गया। सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर जो मंदिर परिसर है उसको खाली करवा दिया गया है। यमुनोत्री नदी के मुहाने पर एकत्रित मलबा बोल्डर पत्थरों की वजह से मंदिर परिसर को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बादल फटने की वजह से इस तरीके के हालात पैदा हुए हैं। पहाड़ जो है वो दरक कर नीचे आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बाधित हुई है और लगातार प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि मॉनसून है इस वक्त और मॉनसून के चलते बाढ़ और बारिश से हाहाकार हर जगह देखने को मिल रहा है। ये भी उत्तराखंड की यमुनोत्री की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बादल फटा है और उसके बाद इस तरीके की स्थिति, ये देखें किस तरीके से तेज बहाव के साथ यहाँ पर पानी बहता हुआ आ रहा है और हर चीज अपने साथ बहाकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का वहां पर रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सड़क कहें या पुल कहें, हर चीज बहते पानी में बहती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज आपको बता दें, कारगिल दिवस के 25 साल पूरे हो चुके हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जय हिंद की गूंज ही सुनाई दे रही है। शहीदों को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें आज कारगिल द्रास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं और ऐसे में एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। विजय के 25 साल आज पूरे हो गए हैं और उन जाबाजों को नमन किया जा रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और उनको याद किया जा रहा है। आज नम आंखों के साथ नमन किया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस के 25 साल आज पूरे हो गए हैं। 26 जुलाई की तारीख जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और ऐसे में उन वीर सपूतों को आज सलाम किया जा रहा है। तो देश आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीरता, बलिदान और शौर्य गाथा की कहानी आज हर कोई याद कर रहा है कि किस तरीके से हमारे वीर सपूतों ने उस समय पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उनकी करनी की सजा भी उस समय दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि कारगिल के शहीदों को नमन पूरा देश आज कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्रास दौरे पर हैं, कारगिल युद्ध स्मारक में नमन करेंगे, बलिदानियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिखा रहे हैं जब वो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज क्योंकि रजत जयंती मना रहे हैं हम, 25 साल पूरे हो चुके हैं कारगिल दिवस को। 26 जुलाई 1999 का वो दिन जब भारतीय सेना ने ये बता दिया था दुनिया को कि एक इंच भी भारतीय जमीन पर अगर किसी ने देखने की जरूरत की, आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की, तो ये दुश्मन के लिए काल साबित होगा। और आज कारगिल दिवस को 25 साल पूरे हो रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है, उनके अदम्य शौर्य, उनके पराक्रम, उनके साहस को नमन किया जा रहा है।
श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, वहां पहुंचे हुए हैं, शहीदों को नमन कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर आपको बता दें, तकरीबन 2 महीने तक यह पूरा युद्ध चला था। 527 हमारे वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था देश की सीमा की सुरक्षा के लिए। यह वो दिन था जब देश के रणबांकुरों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। करगिल की वो चोटियां जिस पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई थी और उसे कब्जा मुक्त कराकर विजय पताका फहराया था भारतीय सेना के जवानों ने, आज का दिन विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 25 साल पूरे हो रहे हैं आज ऐसे में, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज द्रास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और मोदी 3.0 के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा है। इससे पहले 2022 की अगर बात करें तो वो दिवाली मनाने के लिए करगिल पहुंचे थे, वीर जवानों के साथ उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की थी। और इस तरीके की तस्वीर अक्सर देखने को मिलती रही है जब प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं। बहरहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इस वक्त शहीदों को नमन कर रहे हैं। और चलिए इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल जो द्रास है वहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में स्मारक पर पहुंचकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज करगिल विजय दिवस है। 26 जुलाई 1999 के दिन ही भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर करगिल वॉर में पाकिस्तान को हराया था। और ऐसे में हमारे 527 जवान शहीद हुए थे, उन वीर सपूतों को आज याद किया जा रहा है। 25वीं वर्षगांठ है और ऐसे में उनको नमन किया जा रहा है, उन जाबाजों को नमन, क्योंकि आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। 26 जुलाई 1999 की तारीख जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 84 दिनों तक ये युद्ध चला था और भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे, जबकि 1363 जो जवान हैं वो घायल हुए थे। आपको बता दें, करगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के करगिल जाएंगे, विद्रास में करगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह वहां पर पूरे इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और माना ही जा रहा है कि जो जवान शहीद हुए थे उनके परिवार से भी नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और साथ ही वहां पर मौजूद सैन्य कर्मियों को संबोधित भी कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ विंग कमांडर यूके देवनाथ भी जुड़ चुके हैं, इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, आपके पास आते हुए, आज का दिन हम विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं, 25 साल पूरे हो रहे हैं, जगह जगह देश में कार्यक्रम, मोदी द्रास पहुंच रहे हैं, इस बड़ी तस्वीर को, क्योंकि वहां पर कई परियोजनाओं का भी वो आज उद्घाटन करने वाले हैं, इस बड़ी तस्वीर को बड़े पर्सपेक्टिव में किस तरीके से देखा जाए? मुझे लगता है अगर आपने कोई भी पर्सपेक्टिव देखना है तो जैसे आपने कहा कि आज पूरा देश में जय हिंद का नारा दिया जा रहा है, मैं रिपब्लिक के इस स्टूडियो से बोलता हूँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद और जय रहे हमेशा हमारा हिंद। आपका जो सवाल था मैं उसको ज़रूर आंसर कर दूं। अभी हमने बात करी कि 527 जवान हमारे शहीद हुए। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने उन इंजर्ड लोगों की भी याद करी, क्योंकि वो इंजर्ड लोग, वो घायल लोग आज तक कारगिल जी रहे हैं, रोज़ाना जीते हैं, जिनके शरीर के अंदर वो अभी भी कारतूस पड़े हुए हैं, वो जो उनको एम्पुटेशंस हुए हैं उसको वो रोज़ाना भोगते हैं। मुझे लगता है ये कारगिल दिवस जो विजय है वो इस बार या अगले बार कम से कम इंजर्ड सोल्जर्स के लिए ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, एक सवाल मेरा आपसे है। देखिए, एक वो समय था जब हथियार कम पड़ गए थे, लेकिन आज भारत का जो लोहा है वो दुनिया में माना जा रहा है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि अब सीमा पर हालात कैसे हैं, मुख्य तौर पर करगिल में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 साल में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे नए इक्विपमेंट लाए हैं और बड़ी बात यह है कि अब कारगिल के युद्ध में जो समस्या हुई थी कि हमारे पास बम, गोले, रॉकेट, मिसाइल्स कम पड़ गए थे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार ने और वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण मैडम की जय, उन्होंने पिछले 10 साल से लगातार
पिछले 5 साल से लगातार एडुकेट फंड्स रिलीज किए हैं, जिसकी वजह से आज हमारे पास हम बोलते हैं WWR वार वेस्टेज रिजर्व्स पूरे हो गए हैं, एडुकेट हो गए हैं। तो युद्ध हुआ तो हम दुश्मन को करारा जवाब दे सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जहां तक एयरफोर्स की बात है, एयरफोर्स में जज्बा तब भी था, आज भी है, लेकिन आज एक छोटा सा फर्क है। आज हमें ऑफेंसिव एक्शन लेने की ज़्यादा आज़ादी है। जो लोकल फ्लाइट कमांडर्स होंगे, कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे, एयर ऑफिसर कमांडिंग्स होंगे, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अगर चाहें तो अपनी तरफ से ऑफेंसिव एक्शन ले सकते हैं। कारगिल के युद्ध में एयरफोर्स को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, आकलन की वजह से। इंडियन एयरफोर्स को बोला था कि हम जब कारगिल की चोटियों पर हमला करें तो हमारे एयरफोर्स के जो अटैक विमान हैं, चाहे वो MiG-21 हो, MiG-27 हो, Mirage-2000 हो, वो पाकिस्तान की तरफ LOC क्रॉस करके नहीं जाएंगे। इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक रिस्ट्रिक्शन आ गया था, क्योंकि देखिए हवाई जहाज में 360 डिग्री से फ्रीडम ऑफ मैनेवरेबिलिटी होती है, तो ऑप्टिमम अटैक उस वक्त पायलट की जजमेंट होती है, फ्लाइट कमांडर की जजमेंट होती है। बिल्कुल, मैं इस मौके का फायदा इस मौके पर देश को याद दिलाना चाहता हूं कि स्क्वाड्रन अजय आहूजा MiG-21 पायलट थे, उनके MiG-21 को शूट डाउन कर दिया गया था, उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। बिल्कुल, और ये पूरे देश को याद है, और देश का जो समर्पण भाव है वो हर कोई देख रहा है। कर्नल शैलेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज 25वीं जयंती मनाई जा रही है, रजत जयंती मनाई जा रही है, ऐसे में जो शौर्य गाथा है इसको देखते हुए, इस पे पूरे देशवासियों का जो समर्पण है उसको देखते हुए, पाकिस्तान के सीने में कैसे ये शूल की तरह चुभ रहा होगा? चुभना भी चाहिए,